तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ अजीबोगरीब मोबाइल फोन्स की जो काफी पहले मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन शायद आपने उनके बारे में ना सुना होगा ना उनको देखा होगा। फिर मोबाइल फोन्स की आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो जो है आपको पूरा देखना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही जो है वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे अजीबोगरीब मोबाइल जो हैं मार्केट में आए थे, शायद वो यूनिक हैं या फिर पर्सनल यूज के लिए किसी ने बनवाया है उनको, या फिर कोई और बात है, वो तो अभी तक खुलासा उसका नहीं हुआ, आज तक नहीं हो पाया है। लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पांच ऐसे मोबाइल जो कि कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब मोबाइल हैं, और इनका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक है। दुनिया में जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं उनसे सबसे ये अलग है। तो इन्हीं जो मोबाइल हैं, इन्हीं फ़ोन्स की हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और आपने ऐसे मोबाइल नहीं देखे होंगे, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, तो आपको वीडियो पूरा देखना और समझना है कि किस प्रकार से जो है कंपनियों ने ये मोबाइल बना दिए हैं और किस यूज के लिए बनाए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर है वो है नोकिया का 888 मॉडल, जो कि काफ़ी लंबा है थोड़ा, आप उसको ब्रासलेट की तरह हाथ में पहन सकते हैं और एकदम लचीला है पूरा। इसका डिस्प्ले जो है वो भी लचीला बनाया गया है ताकि इसको इधर उधर घुमा सकें, एकदम गोल भी आप इसको कर सकते हैं, सीधा भी इसको कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसके अंदर फंक्शन है, और आप फोटोज़ अगर देखें तो एक साथ जो है बड़ी बड़ी फोटो आपको दिखा देगा, चार या पांच तक सीरीज़ में परनामा टाइप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फोटोज़ में। ये फोटोज़ जो हैं काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे मिली हैं, और ब्रांड है जो है वो नोकिया का, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो नोकिया ने कभी मोबाइल बना दिया किसी को पता नहीं लगने दिया, और किस लिए बनाया था ये भी नहीं पता, और समझ में नहीं आ रहा है कैसे मोबाइल जो है बना दिया। और आज तक उसके बाद जो है हमारे पास ऐसा कोई नहीं आई कि इस प्रकार से जो है फोल्डिंग मोबाइल हमारे पास आएंगे या फिर इस प्रकार की लचीली डिस्प्ले के साथ मोबाइल आएंगे। लेकिन इसमें एक कमी है, वो क्या है वो बता देता हूँ। इसकी लचीली जो डिस्प्ले है वो फुल HD नहीं है, और जो है धुंधली धुंधली दिखती है, एकदम साफ दिखने में नहीं है। तो इस प्रकार से जो है नोकिया का 888 मोबाइल है। तो दूसरे नंबर पर है एक ऐसा मोबाइल जो कि सिगार केस भी है और मोबाइल है, और ये चाइना में बना था एक फैक्ट्री के अंदर, किस लिए बनाया गया था और शायद इसके ज़्यादा पीस नहीं बन पाए थे, कुछ अमीर लोगों के शौक के कारण ये मोबाइल बना था। इसको एक तरफ तो 2 इंच की जो है डिस्प्ले इसमें लगी हुई है कीपैड के साथ, और दूसरी तरफ इसमें नीचे की तरफ जो है सिगरेट रख सकते हैं, मतलब सिगार केस टाइप भी ये काम करता है, और इसमें कैमरा भी लगे हुए हैं, और सारा जो मोबाइल का सिस्टम है इसमें लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका नाम है श्यांग यांग वांग 3838 मॉडल नंबर है इसका, और ये मोबाइल जो काफ़ी प्रचलित भी हुआ था, और आज ये एक यूनिक पीस अपने आप में बनके रह गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिगार जो है सिगरेट इसके अंदर लगा सकते हैं, और ऊपर की तरफ जो है मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी जो है यूनिक मोबाइल अपने आप में हो गया है, इसमें काफ़ी जो है सिगरेट इसमें आ सकती हैं, और चाइनीज लोगों को पता नहीं सिगरेट का ज़्यादा ही शौक है क्या, उसके आधार पर जो है मोबाइल बनाया गया था शायद। तो अब बात कर लेते हैं एक ऐसे मोबाइल फ़ोन की जो एकदम छोटा है, मतलब दुनिया में सबसे छोटा मोबाइल इसे आप कह सकते हैं, बिल्कुल ही छोटा सा मोबाइल। अगर आप चाहें तो अपनी कार की के अंदर इसको रिंग में डालकर भी घूम सकते हैं, इतना छोटा मोबाइल ये है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मॉडल नेम है इसका नोवा EC170 मोबाइल। तो जो नोवा EC170 है बहुत ही छोटा मोबाइल फ़ोन है, एकदम से छोटा मोबाइल फ़ोन, और इसके अंदर जो है टच स्क्रीन लगी हुई है जो कि पूरे 2 इंची की है, सिर्फ 2 इंची है मोबाइल, और 2 इंच का है मोबाइल, बिल्कुल ही छोटा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर आप कॉल कर सकते हैं, आप इसके अंदर इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, आप इससे फोटोज निकाल सकते हैं, सब कुछ इससे कर सकते हैं, उसके बावजूद भी ये काफ़ी छोटा मोबाइल अपने आप में है। और उसके बाद आता है दूसरा मोबाइल जो कि फोल्डिंग मोबाइल है। फोल्डिंग मोबाइल तो आपने काफ़ी सारे देखे होंगे, लेकिन ये वाला जो मोबाइल है वो आपने नहीं देखा होगा। ये मोबाइल है, इसके अंदर एक सिरिंज के द्वारा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक चित्र है, फ्लाइंग किट का जो है चित्र है, उसके अंदर इंजेक्शन से परफ्यूम डालते हैं, और जब भी ये फोल्ड ओपन करते हैं तो ये जो है परफ्यूम को छिड़कता है, उसकी खुशबू आती है, काफ़ी अच्छी खुशबू इसके अंदर डाली गई है। जब भी हम
कॉल आता है, कोई कॉल उठाते हैं अगर इस फोन से, तो ये परफ्यूम को स्प्रे करता है, तो परफ्यूम के कारण ही हो गया अपने आप में एक यूनिक मोबाइल। तो ऐसा मोबाइल भी आपने नहीं देखा होगा जो कि एक परफ्यूम स्प्रे करता हो जब भी इसे खोलते हैं। और इंजेक्शन जो है सिरिंज आप देख रहे हैं, इसके द्वारा आप इसे रिफिल कर सकते हैं, परफ्यूम को दोबारा अगर खत्म हो जाए तो इसको रिफिल कर सकते हैं। और काफी लोगों ने इसे पसंद भी किया इस मोबाइल को। और उसके बाद लास्ट जो मोबाइल हमारे पास है वो गूगल का प्रोजेक्ट एरा, ए आर ए, गूगल का प्रोजेक्ट जो ए आर ए है, वो आप इसको पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन इसको फोल्डिंग कहें या फिर स्लाइडिंग कहें या फिर अलग अलग पीस वाला मोबाइल कहें, इसको आप जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। इसके कितने सारे जो पार्ट्स हैं उनको आप किस तरह से लगाना चाहते हैं, कैमरा नीचे चाहते हैं, ऊपर चाहते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं इसको, किसी प्रकार से जो है सेट कर सकते हैं। ऊपर डिस्प्ले चाहिए या नीचे फिर कैमरा चाहिए, या फिर नीचे कैमरा और स्पीकर चाहिए, या फिर उल्टा आपको चाहिए, कुछ भी मतलब ऊटपटांग मोबाइल है। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो है ऐसे स्लॉट दिए गए हैं, उनके अंदर आप अलग अलग स्टाइल से जो है इसके गैजेट्स जो है सेट कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा गैजेट्स जो है इसके मार्केट में आपको मिल सकते थे, मगर फिलहाल जो है ये मोबाइल यूनिक हो गया है और इसको बंद कर दिया गया है, अभी आपको नहीं मिलने वाला है। और इसके बाद जो मोबाइल आने वाले हैं उनका मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बार बार जो है ऐसे कुछ नए नए लेटेस्ट जो है जीवो ग्रीन मोबाइल जिन्हें हम कहेंगे वो निकल कर आएंगे। और जैसा कि मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहा हूँ, ये मोबाइल भी काफ़ी अजीबो गरीब है। इसके अंदर आप किसी भी प्रकार से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इधर से उधर से स्पीकर कहाँ लगाना है, सिम स्लॉट जो है वो कहाँ लगाना है, कुछ भी मतलब एडजस्ट कर पाते हैं इन मोबाइल के साथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जो नीचे लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अगले वीडियो है वो आप देख पाएं, और ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। और अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।